कांग्रेस अब डूबती हुई नैया, पतवार जिनके हाथ में है उस पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के लोगों। स्मृति ईरानी जितना बार गई है 5 साल में, उसका 1/4 भी गांधी परिवार अमेठी नहीं गया, और इनको एक ही वोट पर भरोसा है क्योंकि केरल के वायनाड में मुस्लिम बाहुल मतदान। ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी जो मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर जा रहे हैं। अच्छा देखिए, कांग्रेस अब डूबती हुई नैया है, तो डूबती हुई नैया पर कौन बैठेगा? सब भाग रहा है कांग्रेस से, चाहे वो महाराष्ट्र से 2 लोग भाग गए, हर जगह से भाग रहे हैं। इसलिए डूबती हुई नैया है कांग्रेस, पतवार जिनके हाथ में है उस पर भरोसा नहीं है कांग्रेस के लोगों। राजद कह रही है कि अमित शाह बार बार बिहार कुछ देने नहीं लेने आते हैं, दंगा फैलाने के लिए आते हैं। बिहार को एनडीए की सरकार ने जो दिया है, आरजेडी को तो कहने का अधिकार ही नहीं है। 15 साल में डेटा निकाल ले, बहस कर ले, विकास के बदले विनाश का काम किया था, उनको आरजेडी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने, जिस एनडीए ने 5 साल में नहीं 10 साल टोटल मिला लेंगे, तो जितना काम दिख रहा है वो एनडीए का ही। देखिए, इनको अमेठी के जनता पर भरोसा नहीं है। जिस अमेठी की जनता ने इंदिरा गांधी के परिवार को सम्मान देने का काम किया, 5 साल इन्होंने अपने भाषण में सम्मान के बदले अमेठी को के जनता को अपमानित किया, और इनको एक ही वोट पर भरोसा है क्योंकि केरल के वायनाड में मुस्लिम बाहुल मतदाता हैं, उनको भरोसा है, लेकिन अमेठी की जनता पे भरोसा नहीं है। और स्मृति ईरानी के खिलाफ, स्मृति ईरानी जितना बार गई है 5 साल में, उसका 1/4 भी गांधी परिवार अमेठी नहीं गया है, तो अमेठी की जनता स्मृति जी को अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में मानता है। इसीलिए ये उन्होंने वायनाड से चुनाव लड़ने की घोषणा की। उद्धव ठाकरे ने नारा दिया कि प्रधानमंत्री ने जय बजरंगबली कहा है, तो महाराष्ट्र में जय भवानी जय शिवाजी कर लोग वोट डालें। जय भवानी जय शिवाजी जय बजरंगबली जय श्री राम, ये तो बीजेपी का है ही। जो लोग भटक गए हैं, जो लोग बाल ठाकरे जी की आत्मा रो रही होगी, जो मुस्लिम तुष्टिकरण की ओर जा रहे हैं, उनको अधिकार कहाँ किस दिया कि वो जय भवानी को तो भूल करके वो दूसरा काम करने लगे। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।